नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा पहुंचे अखिलेश यादव। रीवा के सिरमौर विधानसभा में आज आयोजित जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे, जहां उन्होंने सिरमौर से बनाए गए सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष मतदान करने लोगों से अपील की। उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि यहां के लोग आज भी पिछड़े हैं। उन्होंने कहा कि एमपी में चुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन सभी दल ने तैयारी कर ली है, समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी कर ली है और सबसे आगे हम हैं। कांग्रेस की जब सरकार बननी थी, सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन समाजवादी पार्टी से मांगा था। हमने समर्थन दिया, फिर अन्य दल ने समर्थन दिया। विद्या का इलाका बहुत पिछड़ गया है। पेपर में और टीवी में विज्ञापन बीजेपी का चल रहा है। आखिर इतना पैसा आता कहाँ से है? नोटबंदी के नाम पर सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। ये एमपी का चुनाव नहीं, देश का चुनाव है। आपका एक एक वोट संदेश देगा। बीजेपी ने मंथन किया कि दिल्ली का चुनाव पहले कराए या एमपी का। इंडिया गठबंधन में समाज पार्टी भी है, लेकिन उसकी अलग लड़ाई भी है। आइए जानते हैं अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने क्या कहा। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और यहां पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी जी, हमारी पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ब्यास जी, मरकाम साहब और यहां के हमारे संगठन के अंसारी जी, मैं इन सबका धन्यवाद देता हूं। इनके माध्यम से और आपके माध्यम से आई हुई जनता का मैं आभार प्रकट करता हूं कि अपना सब काम छोड़ करके और उम्मीद से ज़्यादा समर्थन दिखाई दिया। मैं नहीं समझता था कि समाजवादी पार्टी का इतना समर्थन होगा, लेकिन कम समय मिलने के बावजूद भी, कम संसाधन जुटाने के बाद भी, अपने प्रयासों से स्वयं जनता जो चल कर के आई है, मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से जनता को मैंने देखा है, अभी तक रुके हुए थे, मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादियों पर इस बार जनता का आशीर्वाद रहेगा। बीजेपी इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो या प्रदेशों का चुनाव हो, हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें। प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है और दिल्ली की सरकार ने इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और ख़ासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतज़ाम नहीं किया, एमएसपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीज़ें बढ़ेंगी, गरीब जनता से दूर हो जाएगी शिक्षा, स्वास्थ्य।